Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। पिशावर की दीर कॉलोनी में मदरसे में धमाका, 7 अफराद शहीद, 110 से ज़ायद जख्मी। जख्मियों में से मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। अस्पतालों में इमरजेंसी डिक्लेयर और डॉक्टरों की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। कोरोना से मजीद 6 अफराद जान बहक, 24 घंटों के दौरान 773 नए केसेस रिपोर्ट। ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से मरने वालों की मजमू तादाद 6745 हो गई। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 73 साल मुकम्मल, वज़ीर आज़म का आखिरी दम तक कश्मीरियों की मदद का ऐलान। इमरान खान कहते हैं आज के दिन भारतीय फौज कश्मीरी आवाम को ज़बरदस्ती महकूम बनाने श्रीनगर पहुंची। नेशनल एक्शन प्लान पर मिनोअन अमल किया जाता तो आज मुकम्मल अमन होता। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं दहशतगर्दी के मंसूबा साजों को इबरत का निशाना बनाया जाए, इंसानियत का खून बहाने वाले नाकाबले माफी हैं। जमात इस्लामी का ताजीम रसूल रैली निकालने का ऐलान। फ्रांस में तौहीन आमेज खाकों की अशायत पर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने मजीद कहा है कि तमाम मुस्लिम उम्मा एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर इन गुस्ताखों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Greenish hand sanitizer, Ala Clean quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareede ya hamari website par order kare www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। पिशावर के इलाके दीर कॉलोनी जरगराबाद में मदरसे से मुल्हिका मस्जिद में धमाके में 7 अफराद शहीद और 110 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में से मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। अस्पतालों में इमरजेंसी डिक्लेयर और डॉक्टरों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जरगराबाद में होने वाला धमाका मस्जिद के मरकजी हॉल में उस वक्त हुआ जब तदरीसी अमल जारी था। इसी दौरान एक शख्स बैग उठाए हॉल में दाखिल हुआ और फिर कुछ लम्हों बाद जोरदार धमाका हो गया। मस्जिद के एक तरफ की दीवार गिर गई, छत से पलस्तर उखड़ गया, खिड़कियां टूट गई, मिंबर के करीब गढ़ा पड़ गया, शीशों की किरचियाँ, तलबा के बस्ते और पेंसिलें फर्श पर बिखर गई। धमाके के बाद हॉल में धुआं, चीखों पुकार और अफरा तफरी फैल गई। भगदड़ मच गई और कई तलबा जख्मी हो गए। धमाके की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमों ने जख्मी तलबा को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया। जख्मियों में से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मदरसे में 10 से लेकर 35 साल तक के तालिबे इल्म ज़ेरे तालीम हैं। धमाके की इत्तला मिलते ही कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। SP सिटी वकार अहमद के मुताबिक धमाका मदरसे में रखे बारूदी मवाद से हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने हादसे की जगह से शवाहिद इकट्ठे किए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत ने पेशावर धमाके की मज़म्मत की और कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। इमरान खान ने जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत कर दी। कोरोना वायरस से मजीद 6 अफराद लुक्मे अजल बन गए, जिसके बाद कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की मजमू तादाद 6745 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 3,29,375 हो गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 773 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,03,082, सिंध में 1,44,114,
खैबर पख्तूनख्वा में 39,119, बलोचिस्तान में 15,839, गिलगित बल्तिस्तान में 4,191, इस्लामाबाद में 19,181, जबकि आज़ाद कश्मीर में 3,849 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 43,17,678 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 27,133 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,11,440 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 576 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 6 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 6,745 हो गई। पंजाब में 2,336, सिंध में 2,599, खैबर पख्तूनख्वा में 1,270, इस्लामाबाद में 213, बलोचिस्तान में 149, गिलगित बल्तिस्तान में 91 और आज़ाद कश्मीर में 87 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यौम यकजहती कश्मीर और यौम सियाह पर पैगाम देते हुए कहा कि हम ये दिन भारतीय गैर कानूनी कब्जे की मजम्मत करते हैं। आज के दिन हम कश्मीरी आवाम की मुकम्मल हिमायत का इरादा कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि यौम यकजहती कश्मीर इंसानी तारीख के एक तारीख बाब को उजागर करता है। आज के दिन 73 साल कबल भारतीय फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के लोगों पर जबरदस्ती कब्जा किया। जम्मू कश्मीर पर भारत का गैर कानूनी कब्जा एक बैन अल-अक़वामी तनाज़ा है और इस तनाज़े का हल अक़वामे मुत्तहिदा के चार्टर और सलामती कौंसिल की करारदादों में है। 7 दहाइयों से जारी मजालिम के बावजूद भारत कश्मीरी आवाम का अज़म तोड़ने में नाकाम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान रियासती दहशतगर्दी, बेगुनाह कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल, आज़ादी इजहार राय पर पाबंदियों में मुलव्वस है, जाली मुकाबलों, हिरासत में तशद्दुद और अमवात, कश्मीरी क़यादत की नज़रबंदियों के वाक़यात की दुनिया गवाह है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज पैलेट गनों का इस्तेमाल और मकानात को नजर आतिश कर रही है। आलमी बरादरी गवाह है कि भारत हर हरबा आजमा कर भी कश्मीरी आवाम को खुद इरादियत की जद्दोजहद को ख़त्म करने में नाकाम है। उन्होंने मजीद कहा कि अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक तनाज़े के पुरअमन हल के लिए काम करे। यह वाहिद रास्ता है जो जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बना सकता है। पाकिस्तान कश्मीरी आवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और हक खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरी बहन भाइयों की हर मुमकिन मदद जारी रखेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पिशावर धमाके पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर मिनोअन अमल किया जाता तो आज मुकम्मल अमन होता। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपोजिशन जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में पिशावर में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इंसानियत का खून बहाने वाले नाकाबिले माफी हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के मंसूबा साजों को इबरत का निशाना बनाया जाए। आसिफ जरदारी ने शहदा के अलावा कीन से हमदर्दी और ताजियत का इजहार भी किया। वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा के दारुल खिलाफा पिशावर के इलाके दीर कॉलोनी में कोहाट रोड पर वाक़ मदरसे में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 7 अफराद शहीद और 112 जख्मी हो गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान का कहना है कि फ्रांसीसी सदर ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके मुस्लिम उम्मा के जज्बात को मजरूह किया है। उन्होंने कहा कि जबानी कलामी बातें बहुत हुईं, अब ज़रूरत इस अमर की है कि फौरी यूरोपी सफीर को मुल्क से बेदखल किया जाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फ्रांस में तौहीन आमेज खाकों की अशात पर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने शदीद बरहमी का इजहार कर दिया। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने फ्रांस में तौहीन आमेज खाकों की अशात और गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए मुल्क भर से ताजीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकालने का ऐलान कर दिया। इदारा नूर हक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि फ्रांसीसी सदर ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके मुस्लिम उम्मा के जज्बात को मजरूह किया है। उन्होंने कहा कि जबानी कलामी बातें बहुत हुई, अब जरूरत इस अमर की है कि फौरी यूरोपी सफीर को मुल्क से बेदखल किया जाए। देखें, ये जो मामला फ्रांस में हुआ है, इस पर हम ये समझते हैं कि हमारी हुकूमत को सिर्फ बयान या सिर्फ दफ्तर खारजा में तलब करके सफीर को बात करने से मसला हल नहीं होगा। पूरी दुनिया में अब ये चीज़ सामने आ रही है कि छोटे छोटे मसलों पर भी लोग सुफरा को मुल्क बदर कर देते हैं, और इससे बढ़कर कोई मसला हमारे लिए नहीं हो सकता। हमारी ज़िंदगी मौत का मसला है, हमारी जानें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, और जब आपकी शान में किसी मुल्क ने
इस तरह से दुनिया के तमाम कवानीन और अखलाकियात को एक तरफ करके ये जुर्रत की है, हिम्मत की है, तो फिर हमें भी भरपूर तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए। और हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि फ़्रांस से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते किए जाएँ, तावक़्त है कि वो लोग माफ़ी मांगें, रुजू करें और फिर जो है वो कोई इस पर गुफ्तगू हो सके। अमीर जमात इस्लामी कराची ने मजीद कहा कि तमाम मुस्लिम उम्मा एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर इन गुस्ताखों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। कल से शहर भर में ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैलियां निकाली जाएंगी। हाफिज नईमुर रहमान ने यह भी कहा कि रुकन सिंध असम्बली अब्दुल रशीद ने इस मामले की रोकथाम के लिए सिंध असम्बली में अपनी करारदाद भी जमा करवा दी है। कल जो है वो तीन तलवार पर हमारा मुजाहरा है, फ्रेंच कौंसिल कौंसिल खाने के करीब है, और उसके बाद हम जो है जुमे को योम एहतजाज मनाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो यकूम नवंबर को इतवार के दिन 4 बजे मज़ार कायद से जो है वो आगे एम ए जिना रोड पर हम एक बड़ी रैली करेंगे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।